Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. इस वीडियो में जानेंगे Infinix Smart 8 HD में अगर आपको फोटो और वीडियो हाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स फोन के अंदर देखने को मिल जाता है फोन मास्टर एप्लीकेशन, जिसको सर्च करके आपको कर लेना है ओपन। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरह का आपको फोन मास्टर एप्लीकेशन शो होगा। इसको आप ओपन कराएंगे, ओपन कराने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर मिलेगा एक साइड, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक एक्सेस कोड बनाना होता है। एक्सेस कोड किस तरह से बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, आप जो भी बनाना चाहे डाल सकते हैं यहाँ पर कोड अपना। इसके बाद फोटो के लिए हाइड करना चाहते हैं तो पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए और प्राइवेट एल्बम पर क्लिक कीजिए। फिर फ्लैश का आइकन शो होगा, इस पर आपको क्लिक करके फोन की गैलरी शो हो जाएगी। अब यहाँ पे उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिसमें से फोटो हाइड करनी हो, तो जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में से कोई भी फोटो हाइड करना है या फिर जो भी फोल्डर है आपका उसमें चले जाइए और कंफर्म पर क्लिक करा दीजिए, तो ये आपका फोटो हाइड हो गया है। सेम इसी तरह से आप चाहें तो वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो पर क्लिक करना होगा, प्लस के आइकन पर जाना होगा, फोन की सभी वीडियो यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो उस वीडियो पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए, आपकी वीडियो हाइड हो जाती है। अगर एप्स को हाइड करना है तो यहाँ से एप्स को हाइड कर सकते हैं। अब जो भी आपने हाइड किया है उसको देखना चाहते हैं तो टू फिंगर लेकर स्क्रीन पर सर से क्लिक कर दीजिए। अब जो भी कोड बनाया था उसको डाल दीजिए यहाँ पर, तो आप देखोगे फोटो वीडियो या फिर जो भी आपने हाइड किया है उसको देखना है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।